हेलो बच्चों, ये जेईई मेन 2024 का क्वेश्चन है, 6 अप्रैल सेकंड शिफ्ट का। इन फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट द फर्स्ट डिप इन द करंट वोल्टेज ग्राफ फॉर द हाइड्रोजन इज ऑब्जर्व एट 10.2 वोल्ट। द वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड बाई हाइड्रोजन एटम व्हेन एक्साइटेड टू द फर्स्ट एक्साइटेशन लेवल इज नैनोमीटर पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पर ना करंट वोल्टेज का जो ग्राफ होता है फ्रैंक हर्ट्ज के लिए ये बच्चों कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो जो फर्स्ट डिप है ना ये बोला गया 10.2 वोल्ट पे है। कब? तो जब ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से जंप कर रहा है तब। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से, तो मान लीजिए ये n इज इक्वल टू 1 ग्राउंड हो गया, n इज इक्वल टू 2 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो गया, ठीक। एनर्जी का फॉर्मूला हम जानते हैं कितना होता है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। बट ये हाइड्रोजन एटम है तो हाइड्रोजन एटम में आप जेड का वैल्यू यहाँ जो रखेंगे वो 1 रखेंगे तो ये एन स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर जब ये जंप करेगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से इसमें, तो यहाँ पे एक फोटोन रिलीज होता है बच्चों, जिसका एनर्जी होता है एच म्यू, मतलब फ्रिक्वेंसी, एच इंटू फ्रिक्वेंसी। तो एच म्यू इज इक्वल टू, और एनर्जी क्या होता है, नेगेटिव में, तो इसीलिए यहाँ पर लिखना होता है EN1 - EN2, ठीक है। ग्राउंड मतलब ग्राउंड माइनस फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ओके। तो यहाँ पे एच सी बाई लैम्डा लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी की जगह पे सी बाई लैम्डा लिख दीजिए। तो इन दोनों का जो ब्रैकेट के अंदर है ना, ये पूरा एनर्जी का डिफरेंस कितना हो जाएगा। तो इस एनर्जी में अपने को वोल्टेज का डिफरेंस कितना दिया हुआ, 10.2 का, ठीक है। तो अगर इस वोल्टेज में हम लोग को अगर एनर्जी का डिफरेंस चाहिए तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, जो कि एनर्जी हो जाएगा। तो ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आ गया। अब वेवलेंथ पूछ रहा है हम लोग उससे, तो वेवलेंथ के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, तो वेवलेंथ के लिए हम लोग लिखेंगे बच्चों यहाँ पर कि लैम्डा इज इक्वल टू एच सी अपॉन 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और एच सी का वैल्यू तो यहाँ दिया हुआ है 1245 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर डिवाइडेड बाई 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल। अब इसको जब आप यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू अप्रॉक्स में आएगा 122 नैनोमीटर, ठीक है। तो यहाँ जो फिल करना है हम लोगों को, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 122, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 122।